हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन चंडीगढ़ अकेडमीज यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक सचदेवा और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ्स की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे जानकर आप बड़ी से बड़ी डिवीजन को बहुत ही कम से कम टाइम में और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 643 को डिवाइड करना है 5 से, तो आप कैसे करेंगे? नॉर्मल डिवीजन करने बैठेंगे, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, जो हमारी ऊपर वाली टर्म है। इसको मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 2 3 6, 4 2 8 एंड 6 2 12। इसके बाद आपको क्या करना है कि लास्ट से एक डिजिट छोड़कर, यानी कि 6 छोड़कर, इसके बाद आपको पॉइंट लगा देना है। तो बस हो गई डिविजन, बिल्कुल इतना ही था, है ना आसान? बिल्कुल। चलिए एक और लेते हैं। आपको मान लो दिया है 742, आपको इसको डिवाइड करना है 5 से। अगेन चलिए कीजिए मेरे साथ, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से। इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे ऊपर वाली टर्म पर तो क्या आएगा? 2 2 4, 4 2 8, 7 2 14। इसके बाद क्या करना है बताइए? लास्ट में आपको क्या करना है, इस डिजिट को छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। तो इस डिवीजन का आपके पास आंसर आएगा 148.4। सो दोस्तों, कैसी लगी हमारी फर्स्ट ट्रिक? इसके बाद हम आपको सिखाने वाले हैं कि कोई नंबर आपको आ जाए तो उसको 25 से और 125 से कैसे डिवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक की और देखते हैं कि 25 से किसी नंबर को कैसे डिवाइड किया जा सकता है। तो मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 723, आपको इसे डिवाइड करना है 25 से। तो क्या कीजिए? पहले हमने किया था कि मल्टीप्लाई किया था 2 से, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई 4 से। 4 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4 3 12, 1 कैरी, 4 2 8 एंड 1 9 एंड 4 7 28। अब क्या करना है दोस्तों? पहले हमने किया था कि एक डिजिट छोड़कर हमने पॉइंट लगाया था। अब इस केस में हम 25 के केस में क्या करेंगे कि हम 2 डिजिट को छोड़कर यहाँ पॉइंट लगाएंगे। तो ये आ गया आपका इस डिवीजन का रिजल्ट। जब हमने 723 को डिवाइड किया 25 से, हमारे पास आंसर आया 28.92। अगर आपको मेरे पे बिलीव नहीं हो रहा है तो आप अपना कैलकुलेटर खोलकर चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। हम 25 से डिवाइड करके देखते हैं 4312 को डिवाइडेड बाय 25। करना क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें इसको ऊपर वाली टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए कीजिए मल्टीप्लाई, 4 2 8, 4 1 4, 4 3 12, 1 कैरी, 4 4 16 एंड 1 17। तो अब क्या करना है कि 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। तो हो गया डिवीजन, देखा इतना सिंपल है ये, आप भी ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, है ना बिल्कुल आसान? तो अब हम अगले स्टेप में देखेंगे कि किसी नंबर को 125 से कैसे डिवाइड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की ओर, देखते हैं कि 125 से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा। चलिए मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 627, डिवाइड करना है इसको आपको 125 से। सबसे पहला स्टेप, हमने जब 5 से डिवाइड किया था तब क्या था कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना था 2 से। उसके बाद हमने देखा कि 25 से डिवाइड करना है तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है। और अब हम करेंगे 125 के लिए, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 के साथ। चलिए हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं 627 को 8 के साथ। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी? 7 8 56, 5 कैरी, 8 2 16 एंड 5 कैरी 121 एंड 2 आएगा ऊपर। उसके बाद आएगा 6 8 48, प्लस में 2 करेंगे तो आएगा 50। दोस्तों अब हमें क्या करना है? पहले दो केसेस में क्या था कि हमें फर्स्ट केस में ये करना था कि लास्ट डिजिट को छोड़कर यहाँ पे पॉइंट लगा देना था। सेकंड केस में था कि हमें 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पॉइंट लगाना था। लेकिन हम तीसरे केस में क्या करने वाले हैं कि हमें इन तीनों डिजिट को छोड़कर यहाँ पॉइंट लगा देना है। तो ये आ गया आपका 627 को अगर हम 125 से डिवाइड करेंगे उसका आंसर 5.016। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 5 डिजिट नंबर लेते हैं इस बार हम 43120। ये 5 डिजिट नंबर हमने ले लिया, अगर हमने इसको 125 से डिवाइड करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए 8 से। तो चलिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो कैसे होगा? 8 0 0, इसके बाद आएगा 8 2 16, 1 कैरी, 8 1 8 एंड 9, इसके बाद आएगा 8 3 24, 2 कैरी, 32 एंड 34।
देखिए हमारे पास एक नंबर आ गया है, इसमें हमें क्या करना है कि लास्ट के तीन डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगा देना है, और ये आ गया आपका 43120 को डिवाइड कर 125 से आंसर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने सीखा कि हम किसी भी नंबर को 525 और 125 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम हमारी अगली वीडियो में सीखेंगे कि आप कोई भी नंबर को किसी बड़े नंबर से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल चंडीगढ़ अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।